नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निखिल गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको ज्ञान और मनोरंजन से भरे हुए ब्लॉग मिलते हैं। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। गाइज, आपको लग रहा होगा मैं पहले ऐसे इंट्रो क्यों दे रहा था, तो मैं आपको बता दूं, आज हम जा रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो, जहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे एक प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए। एक कार्यक्रम है जो हम लोग अपने रेडियो में रिकॉर्ड करने वाले हैं, और आपको आज उसी के बारे में पता चलेगा कि कैसे क्या रिकॉर्डिंग होती है। और हम लोग जाने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये फिर से एक और नया एक्सपीरियंस है और आपको बहुत कुछ सीखने। 9 बजे हम लोग आ चुके हैं, 9:30 का कॉलेज होता है, हम लोग इतने एक्साइटेड हैं। भैया हमारी सुपर सुपर से भी सुपर सीनियर ये खुशी, आज के प्रोग्राम की होस्ट, और ये शशांक, और ये हमारी दोस्त कृष्णा। हम सभी में से मतलब एक दो लोग और बाकी के आने वाले हैं, वो सब जाने वाले हैं आज रेडियो। और हमारे सामने हमारी मैम भी आ रही है। हम लोग वाला मैम के ऑफिस से अपनी ये फाइनली स्क्रिप्ट का रिहर्सल एक बार और फुल एंड फाइनल करके निकले हैं। और मैं आज ये स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन इस कभी ने पहले स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने निकर के हाथ से कैमरा ले लिया। निकर मैं कैसे कहती हूँ और क्यों कहती हूँ, ये आप फर्स्ट वाले ब्लॉग में जाके देख लेना, वेस्ट टू वंडर्स वाले ब्लॉग में, ठीक है। और अभी 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 मैं भी आज इसके ब्लॉग में बोलने आ गई, क्योंकि ये मुझे फुटेज ही नहीं देता। नहीं, मैं सबको फुटेज देता हूँ भाई, सारे बंदे बहुत प्यारे हैं। और बस वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अगर आपको आंखों में दिख रहा हो कितना मेहनत कर बात ऐसी है कि देखो, आप लोगों ने मुझे बहुत बार इसके चैनल में देखा हुआ, और अगर आप मेरी छोटी बाइट्स एंजॉय करते हो तो मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूं। लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताएं, क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं ये शिक्षा ध्यानी कौन है। ये फाइनली इनका नाम है शिक्षा ध्यानी, और ये हमारे कॉलेज में है, और हमारे उत्तराखंड से है। अरे अरे, ये उत्तराखंड से तो मस्ट है बोलना, बिना इसके तो मेरा इंट्रोडक्शन ही अधूरा है। हां, तो मैं बस बात इतनी कर रही थी कि मैं अपना एक नया ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर रही हूं, जिसका नाम है ट्रेडिशनल टाउन, और होप सो कि आप उसे एंजॉय करेंगे। ट्रेडिशनल टाउन इसलिए है क्योंकि जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस और कल्चर हैं, मैं उससे रिलेटेड बातें बताऊंगी, और उससे रिलेटेड ही वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करूंगी। तो गाइस, जरूर इनको फॉलो करें, इनको सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और इनको लगातार वहाँ पर देखते रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हो अभी भी इनकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई है, और ये अभी भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। देखिए, अब नहीं, बुंदेलखंड के जो लोग होते हैं उनके एक्सेंट बहुत अच्छी होती है, लेकिन निखिल नाम दोबारा है। क्या भैया, का हाल है, दिस इज अ बुंदेलखंडी एक्सेंट। फाइनली अब हम कॉलेज को लीव कर रहे हैं, और हमारी कैब आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं आकाशवाणी न्यू दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो। तो वहाँ पर अब रास्ते का सफर आप देखेंगे इस आगे वाले ब्लॉग में। हमारी कैब आ चुकी है, बायो कॉलेज बायो। तो गाइस, अब हम कैब पर बैठ चुके हैं, और हमारे साथ तो अब एक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया कि दो बंदे हमारे अब जाएंगे मेट्रो से, और बाकी हम सभी लोग जाएंगे कैब से। अब देश आज़ाद हुआ, इसके बाद 1950 में इन्हें इंडियन पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में चुना। सभी जानते हैं सरोजिनी नायडू ने भी भारत की आज़ादी के लिए बहुत योगदान दिया था। अपनी माँ से प्रेरित होकर पद्मजा नायडू ने भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद की ज्वाइंट फाउंडर रही। फाइनली वी रीच टू द डेस्टिनेशन जहाँ पे हमको जाना था, और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा नर्वसनेस हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है अबाउट आवर
रिकॉर्डिंग कि कैसे क्या होगा. अब नर्वसनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड हमारे साथ हमारी मैम भी आई हुई है. वी आर इन द रिसेप्शन और हमारे सामने ही आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का लोगो है. सारा चीज़ रखी हुई है, AIR की सारी चीज़ें हैं. ये इसका सेंट्रल है और अभी हम लोग कैंटीन में जा रहे हैं. हम लोग को ब्रेक ला, ये स्ट्रक्चर है यहाँ का जैसा भी है. अब हम लोग कैंटीन में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को एक घंटे का ब्रेक मिला है. उसके बाद 3 बजे से एक काजल मैम है जिनका प्रोग्राम है, वो हम लोग देखेंगे लाइव. ये रही दिल्ली की बारिश. फाइनली गाइस, दिल्ली की बारिश और रेडियो स्टेशन में जो बारिश हुई उसने नज़ारे को एकदम खूबसूरत बना दिया. और हम अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म करके अब हम कैंटीन की ओर जा रहे हैं ब्रेक लेने, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसी रेडियो स्टेशन पर एक प्रोग्राम भी देखेंगे जो ड्रामा प्रोग्राम होगा, बट वो ऑडियो फॉर्म में आता है रेडियो में, जो कि काजल जी हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं उनका है, तो वो हम लोग देखेंगे. और हमारा जो कार्यक्रम है वो आपको 24 तारीख को शाम के 7 बजे आपको देखने को मिलेगा ओनली ऑन 102.6 FM रेडियो पर. तो आप ज़रूर देखिए और बहुत ही खूबसूरत रहा, हम लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिला. अंदर की चीज़ें हम लोग इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमको परमिशन नहीं थी, तो कोई बात नहीं. आप को हम हमारे प्रोग्राम देखना और जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको उतना दिखाऊंगा. और बहुत ही खूबसूरत दिन था, बहुत ही कुछ सीखने को मिला, बहुत ही प्यारी लोग थे. इस वक्त हम लोग आ चुके हैं यहाँ की कैंटीन में, जो भाई सच में यहाँ की कैंटीन को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है हमारे कैंटीन के भैया कमलेश भैया को यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दिखाना पड़ेगा भाई इतना सस्ता फूड और इतना टेस्टी भी शायद होने वाला है जैसा देख के लग रहा है. उन्हें क्या क्या लिया कोई बताएगा? हाँ आलू बड़ा, ये बहुत अच्छा है. खुशी आखिरी बची है जिसने हाँ ये सारा कुछ नहीं खाया और हम लोगों ने खा चुका है. यहाँ पे हमें अपने कमलेन भैया को जरूर लाना है कि इतना 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 प्यारा फूड है. और हमने क्या खाई थी, इमरती भी खाई थी ना. और बाहर बारिश हो रही है, एक बार फिर से मैम आ रही है, साइड आ जाओ, खुशी खुशी को आ जाए. फिर हम लोग भागेंगे यहाँ से जल्दी से. अरे मैम हमारी साथ ही रह गई ना पीछे. अभी मैं रेस लगाएंगी, मतलब चलो 3 2 1 गो. चिल्लाना नहीं है, अबे इधर जाना है. नहीं फोन गीला हो जाएगा. मेरा जूता पूरा गीला हो गया गाइस. हम लोग भाग भाग के आ चुके हैं. अब हम लोग जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा शो देखने. इतना अच्छा ब्लॉग देख के, इतना नया एक्सपोजर देख के मन एकदम खुशम खुश हो गया गाइज. सच में अब हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने जो देखी होगी रिकॉर्डिंग, उस प्रोग्राम जो है वो ड्रामा है एक तरीके से, और वो रेडियो पर लाइव परफॉर्म होने वाला है. तो लाइव शो वो भी सामने बैठ के रेडियो के स्टूडियो में, भाई सौभाग्य की बात है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये सौभाग्य मिला. बहुत 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 ही सारी नई चीज़ें हम लोगों का देखने को मिली. आप को ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अपने भाई को और चैनल को प्यार ही प्यार दो भाई.
तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप एक शो देखने के लिए गए और वो प्ले देखने के बाद मैं और निखिल आगे बैठे हुए थे और वो इतना ज़्यादा इमोशनल था, आपको हमारी आँखों से, हमारी शक्ल से, हमारी आवाज़ों से आपको पता चली गया होगा। पहले तो निखिल ने रोना स्टार्ट किया बट मैं इसको थोड़ा सा संभाल रही थी, बट फिर इतना ज़्यादा इमोशनल था और वो एक सच्ची सच्ची कहानी थी कि जैसे आप सभी को पता है कि हम अपने माता राम से कितना प्यार करते हैं और लगभग हम अपनी कहानी को मतलब ऐसे तो नहीं बट जैसा मम्मी बोलती हैं लगभग वैसा ही कुछ था देखने को मिला। बस और कुछ नहीं, यहाँ पे ब्लॉग खत्म नहीं होता है, फिर मेरे को डांटेगा कि तू क्यों बोलती है बीच में, बट मैं तो बोलूंगी निकलो। हाँ तो फिर यहाँ पे सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद, इतना इमोशनल ड्रामा देखने के बाद, थोड़ी सी फोटो वोटो लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ और अब आगे के लिए देखते हैं क्या करना। अभी तो हमें वहाँ जाना है प्रसार भारती, क्योंकि हम लोग अपना वॉइस टेस्ट के लिए रजिस्टर में नाम लिख के आएंगे और फिर हमको मौका मिलेगा कि हम लोग आएँ और अपना वॉइस टेस्ट दें रेडियो के लिए कि हम लायक हैं अपनी आवाज़ रेडियो में देने के लिए कि नहीं। तो हम लोग अभी प्रसार भारती जाएंगे। तो ऐसे हुआ कि हम कहाँ से निकले थे, आकाशवाणी से निकले और उसके बाद फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के ऑफिस पहुंच गए, नीति आयोग पहुंचे, फिर हम जीवन सेवा कहाँ पहुंच गए, पर हम प्रसार भारती नहीं पहुंच पाए। गाइस इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये गूगल मैप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अरे मैप के थ्रू ही खो गए। हाँ आजकल मैं गूगल वालों से कंप्लेन करना चाहूंगा कि ससुरा कहता है बताते हैं, तेरे पास डाल हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। तो फाइनली गाइस अब ब्लॉग को खत्म करते हैं, हम लोग जाने वाले थे प्रसार भारती घूमने वाले थे बट इस बेवफा मौसम ने हमको कह दिया कि बेटा तुम घर जाओ। तो ब्लॉग खत्म करते हैं, बारिश की पहली बूंद गिर गई, अब ब्लॉग को खत्म करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग और उसमें भी आपको कुछ नया अनोखा और स्पेशल देखने को मिलेगा। आपको बताता हूँ याद आ गया, अभी प्राइड मंथ चल रहा है तो हमारा प्राइड वाला ब्लॉग भी आने वाला है, कॉलेज में इवेंट है और आई एम इन द ड्रामा, बहुत मजा आने वाला है, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं जो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।